103 103। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को सेहत कामला अता फरमाए जो इस टाइम कोरोना का शिकार हैं, और जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं और जो इस टाइम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह ताला मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, और जो शहीद हुए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की बात तो हुकूमत ने ना सुनी, कम अज़ कम WHO तिब्बी मायरीन और डॉक्टर्स की बात ही सुन लेते। हमारे वज़ीर आज़म को लॉकडाउन पसंद नहीं है। जनाब स्पीकर, लॉकडाउन की किसी को भी पसंद नहीं, मगर इस वबा को कम करने के लिए लॉकडाउन, पूरी दुनिया इस वबा को कम करने के लिए लॉकडाउन कर रही है। दुनिया पागल नहीं है, लॉकडाउन के अलावा कोई और तरीका होता तो सब वो इस्तेमाल करते। जनाब स्पीकर, इमरान खान की ईगो बहुत बड़ी है, कश्मीर का मसला आया तो अपोजिशन से हाथ मिलाना इस वक्त भी पसंद ना किया, क्योंकि इनकी ईगो इजाजत नहीं देती थी। जनाब स्पीकर, कश्मीर का मुकदमा हम हार गए, खान साहब की ईगो जीत गई। अब भी तिब्बी मायरीन, WHO और डॉक्टर्स चीख चीख कर लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि खान साहब की ईगो इस 22 करोड़ अवाम की जान से ज्यादा बड़ी है। जनाब स्पीकर, मैं दुआ ही कर सकती हूँ। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान का मुवाजा इन ममालिक से हो रहा है जो सबसे ज्यादा मुतासर है, वो मेक्सिको हो या ब्राज़ील। इसी तरह पाकिस्तान की मईशत का मुवाजना फेल स्टेट के साथ हो रहा है। पुराने पाकिस्तान की वो मईशत जिसमें GDP 6 के करीब थी, आज -2 की बात हो रही है। कभी बिजली के कारखानों, हवाई अड्डों और CPEC की बात होती थी, और आज अंडे, मुर्गी और गाय भैंसों की बात हो रही है। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक एक देहात से है और मेरा हल्का तांजा वाला है, वहाँ लोगों की रोजगार काश्तकारी है। आज काश्तकार परेशान है, जब डॉलर 100 का था तो गन्ना 180 का और गंदम 1300 रुपए में फरोख्त होती थी, आज रुपए के करीब है पर फसलों का रेट वही है। डॉलर के हिसाब से फसलें आधी कीमत की रह गई हैं और खाद की 2 गुना कीमत बढ़ गई। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल जगह जगह लगी हुई लाइनों से नजर आ रही है। लोग लाइनों में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। जनाब स्पीकर, आज मईशत का बेड़ा गर्क क्यों है? क्योंकि हकूमत की तवज्जो तो आवाजें दबाने पर है, जो भी इनकी नलायकी और नायली पे बात करेगा वो पकड़ा जाएगा। नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज, शहबाज शरीफ हो या हमजा शहबाज, साद रफीक हो या एहसन इकबाल, खाकान अब्बासी हो या राना सनाउल्ला, और तो और मीडिया भी महफूज नहीं, मीर शकील रहमान भी इसी जुर्म की सजा पा रहे हैं। मीडिया में चुन चुन कर लोगों को नौकरियों से निकाला गया। जनाब स्पीकर, आप मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करें या तमाम सियासतदानों को, आप लायक और ना अहल नहीं बन सकते। हम सारे गिरफ्तार हो भी गए तो आपकी नालायकी और नाअहली से पर्दा उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ के पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछा, बिजली के कारखाने लगे, हवाई अड्डे बने, गवादर पोर्ट बनी, इस नए पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी ना बना। ये लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मेट्रो क्यों बनाई, ऑरेंज लेन क्यों बनाई, कारपेट सड़कें क्यों बनाई, मुफ्त दवाइयां क्यों दी। आपने भी शहबाज शरीफ की नकल उतारने की कोशिश की और पेशावर मेट्रो का आगाज किया। 3.5 साल में 100 से ज्यादा अरब लगाने के बावजूद मुकम्मल होने का कोई नामो निशान नहीं है। शहबाज शरीफ ने 3.5 महीनों में 100 अरब से 4 शहरों में मेट्रो बना दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हमने माजी में बिजली हो, CPEC हो, मोटरवेज हो, बना के दिखाई हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए एलो की जरूरत है। जाली सादिक और अमीन ना तो मजदूर का पेट भर सकता है और ना मुल्क की इज्जत रख सकता है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। अगर मुल्क को चलाना है तो अवाम की राय का एहतराम करना होगा और वोट को इज्जत देनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ आइंदाबाद। थैंक यू जी।